ऋषि कर लेगा मलिष्का के साथ शादी, और लक्ष्मी के सामने हो गई ऋषि की शादी मलिष्का के साथ, और उजड़ गई लक्ष्मी की दुनिया, और लक्ष्मी हो गई ऋषि से हमेशा के लिए दूर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि मलिष्का के साथ बात करना बंद कर देगा और मलिष्का से एक दो दिन तक बात नहीं होगी, तब मलिष्का ऋषि को छोड़ने का और विराज के साथ शादी करने का एक सबसे बड़ा फैसला ले लेगी, और सबसे बड़ा राज का खुलासा होगा कि ये सारा प्लान लक्ष्मी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि करिश्मा बुआ ने बनाया होगा। जहाँ पर ऋषि के मलिष्का के प्यार का फायदा उठाकर करिश्मा बुआ मलिष्का को कहेगी कि अगर तुम्हें ऋषि को पाना है तो तुम्हें विराज के साथ शादी करने का नाटक करना होगा, और कहेगी कि ऋषि तुमसे बहुत ज्यादा पागलों की तरह प्यार करता है और इसीलिए तुम लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहती हो और ऋषि को अपना बनाना चाहती हो तो तुम्हें विराज के साथ शादी करनी होगी, और तभी मंडप में ऋषि तुम्हें कैसे भी करके अपना बनाने के लिए तुम्हारी शादी रोक देगा, और उसी वक्त तुम ऋषि को अपने साथ शादी करने के लिए कहोगे, और तभी ऋषि लक्ष्मी को छोड़कर तुम्हारा हो जाएगा। यह सब करिश्मा बुआ मलिष्का को प्लान बताएगी, जिस वजह से जब मलिष्का ऋषि के घर से जा रही होगी तब ऋषि मलिष्का को आई लव यू कहेगा, लेकिन फिर भी मलिष्का ऋषि की बात ना सुनने की वजह से ऋषि गुस्से से मलिष्का को कहेगा कि तुम्हें हो क्या गया है, तब मलिष्का कहेगी कि तुम लक्ष्मी के हो चुके हो और तुम्हें उससे प्यार हो गया है और तुम पहले वाले ऋषि नहीं हो। तब आखिरी बार ऋषि मलिष्का को समझाते हुए कहेगा कि अगर मुझे लक्ष्मी से प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे, और इसीलिए समय से पहले ऋषि को लक्ष्मी के साथ प्यार ना हो जाए इसीलिए करिश्मा बुआ के कहने पर मलिष्का विराज के साथ शादी करने का नाटक करेगी, जहाँ पर शादी में मलिष्का लक्ष्मी को भी बुलाएगी, जिस वजह से जब मलिष्का और विराज की शादी के साथ फेरे चल रहे होंगे तभी वहाँ पर ऋषि अचानक से मलिष्का विराज की शादी को रोकने के लिए बीच में आ जाएगा, और गुस्से से ऋषि मलिष्का को कहेगा कि रोको, यह शादी नहीं हो सकती, और लक्ष्मी के सामने ठीक ऋषि मलिष्का को कहेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो अभी के अभी मेरे साथ शादी करो। यह सुनकर ऋषि एक पल के लिए भी लक्ष्मी के बारे में ना सोचकर मलिष्का के साथ शादी करने का फैसला ले लेगा, और लक्ष्मी के सामने ही ऋषि मलिष्का के साथ शादी के साथ फेरे लेना शुरू कर देगा, और जो लक्ष्मी शादी में मलिष्का के लिए फूलों का गुलदस्ता लाई थी वो गुलदस्ता लक्ष्मी के हाथों से गिर जाएगा, और ऋषि लक्ष्मी के सामने ही मलिष्का की मांग भर देगा, और उसी वक्त लक्ष्मी को ऋषि के धोखेपन का एहसास होगा और लक्ष्मी के सारे सपने एक ही पल में बिखर जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी गांव की होने की वजह से चुप बैठने वालों में से नहीं होगी और अपने पति ऋषि को ऐसा ही मलिष्का का होने नहीं देगी, इसीलिए जब ऋषि मलिष्का के साथ सातवां फेरा आखिरी लेने वाला होगा तभी लक्ष्मी गुस्से से ऋषि मलिष्का की शादी को रोक देगी और ऋषि को रोते हुए कहेगी कि तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो, तुम तो मेरे पति हो। यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि ऋषि हमेशा से मेरा था, बीच में तो तुम आई हो। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन ऋषि के कुछ ना बोलने की वजह से लक्ष्मी समझ जाएगी कि ऋषि को अब उसके साथ नहीं रहना, इसीलिए तभी लक्ष्मी ऋषि को उसकी खुशी मलिष्का के लिए छोड़ने का फैसला ले लेगी और चली जाएगी ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर। और लक्ष्मी को ऐसे धोखेबाज ऋषि जैसे पति को छोड़ देना चाहिए या नहीं, और ऋषि को अपने किए का एहसास दिलाने के लिए लक्ष्मी को ऋषि से दूर हो जाना चाहिए या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।